नमस्कार फ्रेंड, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र रोशन कुमार। जैसे कि आप लोग इस वीडियो के थंबनेल में देखें कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग CSC का ID कैसे लेंगे। अगर आपके पास CSC का ID नहीं है या आपने CSC का रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, आपका वहाँ पर पेंडिंग है, या CSC का ID आपका रिजेक्ट हो गए हैं, तो आप लोग CSC का ID कैसे अप्रूवल करवाएंगे और उस CSC के ID से आप लोग UCL का काम कैसे लेंगे। जैसे UCL आप लोग जानते होंगे, UCL का अगर आप लोग काम ले लेते हैं तो आप लोग आधार का हर एक काम कर सकते हो। जैसे आप लोग आधार कार्ड में डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं और आधार कार्ड में आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह तो चेंज कर ही सकते हैं और बच्चे का भी आधार कार्ड बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं कि आप लोग CSC का ID कैसे लेंगे। अगर आप लोग का अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है और अभी तक आप लोगों के पास CSC ID नहीं है, तो ये वीडियो के देखने के बाद आप लोग 100% CSC का ID अप्रूवल करवा सकते हैं और आप लोग CSC का ID ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि CSC का ID हम लोग कैसे लेंगे और कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको 100% CSC का ID प्लस UCL का ID मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करके रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे CSC रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे CSC रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लोग गूगल पे CSC रजिस्ट्रेशन लिखोगे तो सबसे ऊपर में ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कई अदर वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर में जो register.csc.gov.in है, इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। हालांकि इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चलिए हम एक एक ऑप्शन आपको समझा देते हैं कि आखिर ये ऑप्शन क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएंगे, माई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको टूल्स का ऑप्शन मिल जाएंगे, मिसिंग डाटा का ऑप्शन मिल जाएंगे, FAQs का ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे CSC का ID मिल गया है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे माई अकाउंट है इस पर क्लिक करोगे। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे CSC का ID भरना है। फिंगरप्रिंट या आईरिस के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ये CSC का लॉगिन पोर्टल है, मेन पोर्टल डिजिटल सेवा से भी लॉगिन होता है, तो यहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट के बारे में देख सकते हो। तो मेरा CSC ID अप्रूवल है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना भी देंगे कि हम अपने CSC में क्या क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट और आईरिस के माध्यम से अपना लॉगिन कर सकते हो यहाँ पे कैप्चा कोड भर के। अब जिसको नया CSC लेना है तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई का। सिंपली आप लोग अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेंगे, उसके बाद स्टेटस चेक का ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट UID टोकन का ऑप्शन मिलेंगे, TC सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो नया CSC लेने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे नया CSC के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में भी वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि CSC का ID अप्रूवल कैसे होता है, और अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो कि सिंपल है, 2 मिनट में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो पहले इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लो कि कैसे हमको CSC का ID अप्रूवल होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप है, इस पर क्लिक करना होता है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे CSC VLE का ऑप्शन मिल रहा है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है, FPO का ऑप्शन मिल रहा है, FPS का ऑप्शन मिल रहा है, ई-श्रम का ऑप्शन मिल रहा है, IDD का ऑप्शन मिल रहा है, NULMSHJ का ऑप्शन मिल रहा है, बैंकिंग का ऑप्शन मिल रहा है, CSC एम्प्लॉय का ऑप्शन मिल रहा है, बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। लेकिन अगर आपको न्यू VLE बनना है तो CSC VLE पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप लोग इस पे सिलेक्ट करते हो, CSC VLE को चुनते हो, तो आपको यहाँ पे TC सर्टिफिकेट नंबर आ जाते हैं इसे भरने के लिए, ठीक है। अब कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति वो CSC VLE ही बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई तो CSC VLE ही बनते हैं, तो CSC VLE ही सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे TC सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको TC का सर्टिफिकेट नंबर भरना अनिवार्य है। अगर ये फॉर्म ये TC नंबर नहीं भरते हैं तो आप लोग CSC में आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। अब जानते हैं TC सर्टिफिकेट नंबर लेने के लिए आपको करना क्या होगा। देखिए, TC सर्टिफिकेट नंबर लेने के लिए सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना होगा।
उसके बाद टीसी सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो इस सब के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया गया है कि कैसे सिर्फ आप लोग एक मिनट में ही टीसी का नंबर प्राप्त कर सकते हो। नंबर प्राप्त करने के बाद आपको यहाँ पे टीसी का नंबर भरना है। सबसे पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो वीडियो देख लेना, रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टीसी रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करो भरोगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भर के आपको यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिखाई दे, ये कैप्चा कोड भर के आप लोग यहाँ पे सबमिट करोगे। जैसे सबमिट कर देते हो तो आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा जो कि हम उस वीडियो में बताए, वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल जाते हैं तो रेफरेंस नंबर को कभी भी आप उसे ट्रैक कर सकते हो, उसे चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे स्टेटस चेक पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मांगेगा, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रेशन किए थे आप, उस वीडियो को देखकर रजिस्ट्रेशन किए हैं। आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिला है, वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा, भरना होगा। रेफरेंस नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड भरना होगा। कैप्चा कोड भर के जैसे ही सबमिट करते हो तो आपका यहाँ पे मिल जाता है आपका स्टेटस। अब स्टेटस में आपको यहाँ पे तीन स्टेटस चेक होता है। जैसे फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखेगा पेंडिंग, कि आपने जो भी सीएससी रजिस्ट्रेशन किया है वो रिव्यू में है, आपका पेंडिंग है, बहुत जल्द अप्रूव होगा। दूसरा इसमें ऑप्शन मिलता है कि आपका सीएससी रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट किस कारण से हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप लोग उसे चेंज करोगे और फिर से रीअप्लाई करोगे। जिसका रिजेक्ट हुआ है वो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर संपर्क करेंगे। इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा, उससे पहले भी हमने इंस्टाग्राम का आईडी दे दिए थे, ठीक है। तो जैसे आप लोग वहाँ पे रेफरेंस नंबर आपका यहाँ पे डालते हो, आपका रिजेक्ट होता है तो फिर से आप लोग रीअप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलते हैं अप्रूव का। जैसे किसी का सीएससी अप्रूव हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे सीएससी का नंबर मिलता है, वहाँ पे पासवर्ड नहीं मिलता, ओनली सीएससी का नंबर मिलता है। वो सीएससी के नंबर से आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको डिजिटल सेवा ओपन करना होगा और वहाँ से लॉगिन करना होगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे फर्स्ट पासवर्ड वगैरह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया सीएससी का रजिस्ट्रेशन से लेके अप्रूवल तक जो कि ऑप्शन आता है। अब बहुत सारे भाई का ये कमेंट आता है कि सर हमने जो सीएससी अप्लाई किए थे वो मेरा पेंडिंग है, रिजेक्ट है, जो अप्रूवल जिसका अप्रूवल हो गया वो तो मैसेज ही नहीं करेगा क्योंकि उसका अप्रूवल हो गया, वो सीएससी में काम कर रहे हैं। जिसका रिजेक्ट होता है, जिसका पेंडिंग होता है, वही मैसेज करता है कि मेरा पेंडिंग है और मेरा रिजेक्ट है। ये जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं इसमें कितने भाई है जिसका पेंडिंग है, जिसका रिजेक्ट है, वो इस वीडियो में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो जिसका पेंडिंग होता है उसको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे बैंक मित्रा सिलेक्ट करना है। बैंक मित्रा आप लोग गूगल पे लिखोगे तो चलिए हम यहाँ पे बैंक मित्रा लिख लेते हैं, सीएससी का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने बैंक मित्रा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप लोग बीसी भी ले सकते हो। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या मुख्य रूप से जानना है वो पहले इस वीडियो में देख लीजिए, जो कि आपका सीएससी अप्रूव करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आपको इस पे टिक करना है। इस पे जैसे ही टिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग भारत के किसी भी कोने से हो तो आप लोग यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो कि बहुत सारे भाई बोलते हैं कि ऑनलाइन टिप्स हिंदी है ये उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के लिए ही वीडियो बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल इंडिया के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे अभी भी पहले आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉलेजबल वीडियो मिलते रहते हैं और इसमें इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से आप हो वो स्टेट सेलेक्ट करोगे। जैसे कोई राजस्थान से है तो यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसका नाम के साथ मोबाइल नंबर देखने को मिल जाते हैं, ईमेल आईडी देखने को मिल जाते हैं। इस पर आप लोग कभी भी कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, इससे जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे आपका सीएससी अप्रूवल हो जाता है इसी नंबर पे अगर कॉल करते हैं तो, आपका जो पेंडिंग है इसी के पास आपका डाटा आता है और आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भी देना पड़ता है। जो सीएससी का मैनेजर बोलेगा वो आपको देना होगा, जैसे आपको बुलाएगा और वहाँ पे हार्ड कॉपी लेगा और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो आपका यहाँ पे सीएससी अप्रूव होगा,
उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आपका दुकान वगैरह को चेक किया जाता है, उसके बाद आपका सीएससी रन करने लगता है और आप सीएससी का यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हो। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में बताऊंगा कि आपको यूसीएल कैसे मिलेगा। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट तौर पे बता दिए हैं कि सीएससी का आईडी आपको कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप लोग इस वीडियो से कितना कुछ सीखे हो। तो चलिए मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।